हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी भी LIC पॉलिसी है और आप अपनी LIC पॉलिसी की, जो आपकी पॉलिसी है उसकी मेच्योरिटी आ गई है और आप उसका फॉर्म भरना सीखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि LIC का जो मेच्योरिटी फॉर्म है वो आप कैसे भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको पूरा फॉर्म फिल करना बताऊँगी, एक ही चीज़ आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर LIC की मेच्योरिटी आती है तो मेच्योरिटी में क्या क्या ऐसी डिटेल्स होती हैं जो कि लगती हैं, जो आपको आनी चाहिए, यानी कि जो फॉर्म है आपके पास वो होने चाहिए और आपके पास वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी होने चाहिए, तभी आप जो है LIC की मेच्योरिटी के लिए क्लेम कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको चाहिए होता है अपनी मेजोरिटी का जो है उसे प्रोसेस में लाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका INI प्रूफ होता है, जिसको हम आधार कार्ड कहते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट होते हैं, ये आपके ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पे यहाँ पे लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो आपका दूसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है कैंसिल चेक। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आपकी पासबुक लगती है, और फ्रेंड्स ओरिजिनल पासबुक भी यहाँ पे आपकी लगेगी वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि इसकी फ़ोटोकॉपी तो लगेगी ही लगेगी, इसी के साथ साथ ओरिजिनल भी आपको देनी होगी वहाँ पे जो है वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर हम लोग तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो आपका होता है मैच्योरिटी फॉर्म, जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग उसको भर सकते हैं। दोस्तों, चौथा मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊँ तो आपका होता है ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड। जब आपने पॉलिसी ली होगी तो आपको एक कागज़ मिला होगा जिसको कि हम बोलते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट और पॉलिसी बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, वो बॉन्ड भी यहाँ पर आपका लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आपका ये बॉन्ड नहीं है तो आपको डुप्लीकेट बॉन्ड के लिए एक प्रोसेस होता है, वो आपको करना होता है, क्योंकि बिना बॉन्ड के किसी भी पॉलिसी की मेच्योरिटी नहीं ली जा सकती। फ्रेंड्स, उसके दो रीज़न होते हैं, या तो LIC ये सोचती है कि आपने LIC से लोन लिया था इसलिए आपके पास बॉन्ड नहीं है, या तो LIC सोचती है कि आप अपनी मेच्योरिटी ले चुके हैं इसलिए आपके पास बॉन्ड नहीं है, क्योंकि LIC इतनी बड़ी कंपनी है तो उसको सारे काम पक्के रखने होते हैं। ऐसे तो कितने लोग आ जाएंगे बिना बॉन्ड के अपनी मेच्योरिटी लेने के लिए। तो बिना बॉन्ड की मेच्योरिटी नहीं मिलती है, उसके लिए डुप्लीकेट बॉन्ड का प्रोसेस होता है जो कि आपको करना होता है। सो फ्रेंड्स, आपको लगता है यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक नहीं है तो आपकी पासबुक लगती है, और ओरिजिनल पासबुक यहाँ पे आपकी लगती है वेरिफिकेशन के लिए। इसी के साथ साथ आपका जो है ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड भी यहाँ पे लगता है। अगर आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड नहीं है तो आपको डुप्लीकेट बॉन्ड के लिए अप्लाई करना होता है, वहाँ पर रिक्वेस्ट देनी होती है, एप्लीकेशन देनी होती है, क्योंकि LIC को लगता है शायद आपने लोन लिया है या फिर आप मेच्योरिटी ले चुके हैं, क्योंकि लोन जब आप लेते हैं तो तब भी आपका बॉन्ड जो है LIC जमा कर लेती है, और अगर मेच्योरिटी होती है तब भी आपकी बॉन्ड जो है LIC जमा कर लेती है। तो LIC क्या करते हैं, तहकीकात करती है उसके पास आपका बॉन्ड है या नहीं, उसके बाद वो आपके डुप्लीकेट बॉन्ड का जो है प्रोसेस आगे करती है। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको मेच्योरिटी के लिए चाहिए होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, दोस्तों अगर आपका नाम श्याम है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपका नाम श्याम कुमार आपका नाम है बॉन्ड में, पॉलिसी बॉन्ड में आपका नाम है श्याम कुमार। ये नाम आपका अगर पॉलिसी बॉन्ड में, लेकिन अब आपका जो डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड पे नाम है वो आपका नाम है श्याम कुमार। ये आपका आधार कार्ड पे भी है, पैन कार्ड पे भी है, कैंसिल चेक पे भी है, पासबुक पे, हर जगह आपका नाम अब ये है, लेकिन पॉलिसी जब आपने ली थी तब आपका नाम ये था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी आपको यहाँ पे एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट आपका बनेगा जिसमें कि आपको बताना होगा
तो फ्रेंड्स अगर आपके केस में भी श्याम श्याम यानी कि आपके नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है और आपके बॉन्ड में कुछ और था लेकिन आप डॉक्यूमेंट में कुछ और है, तो फ्रेंड्स आपको क्या होता है एफिडेविट बनवाना होता है। फ्रेंड्स एफिडेविट में आपको एक फॉर्मेट टाइप करवाना होता है। दोस्तों अगर आप वर्ड एमएस वर्ड चलाना जानते हैं तो मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूंगी, वो फॉर्मेट आप टाइप करके और आपको क्या करना है नोटिस से उसको अटेस्ट करवाना है, बस इतना आपको काम करना है और आप उसके बाद आपको एफिडेविट जो है तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स ये एफिडेविट आप लोग भी कैसे तैयार कर सकते हैं उसकी वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो फ्रेंड्स उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इतना आप लोग काम करते हैं तो आप लोग अपनी मैच्योरिटी के लिए आगे क्लेम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि आप अपना जो फॉर्म है उसको आप कैसे फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, यहाँ पे डेट आती है जब आपका जो ये फॉर्म है ये जमा होता है उस दिन की आप डेट डालिएगा जब आप ब्रांच जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पॉलिसी नंबर आ जाता है, आपकी पॉलिसी नंबर यानी कि जो आपके बॉन्ड पे 9 डिजिट का एक नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, वो आपका पॉलिसी नंबर होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पॉलिसी होल्डर का नाम आता है, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा श्याम कुमार, पॉलिसी होल्डर का नाम आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंड्स यहाँ पे भी डेट डालनी है आपको, जब की डेट डालनी है जब आपका फॉर्म जो है जमा होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी रेवेन्यू स्टैम्प होती है जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी, 1 रुपये की एक हमारे यहाँ पे आती है, आपको यहाँ पे कितने की आती है वो आप पता कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो स्टैम्प आपको लगानी है, रेवेन्यू स्टैम्प लगानी है, उसके बाद आपको उसके ऊपर सिग्नेचर करने होते हैं। सिग्नेचर इस तरीके से होना चाहिए कि आधा सिग्नेचर आपका यहाँ पे नीचे आए, आधा जो आपका है रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर आए, इस तरीके से आपको सिग्नेचर करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका जो यहाँ पे एजेंट होगा उसके यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे एज ए विटनेस के तौर पे, यहाँ पे उसके सिग्नेचर आएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे यहाँ पे आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स पीछे आप लोग देखते हैं कि पीछे आपको क्या लिखना होता है। सो फ्रेंड्स पीछे यहाँ पे ऊपर हमारा कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, आपको नीचे आना है। फ्रेंड्स नीचे आने के बाद आपको और नीचे आना और एंड में यहाँ पे आपकी नेफ्ट की जो है डिटेल्स दी गई हैं ये आपको फिल करनी होती हैं। नेफ्ट यानी कि आपके बैंक की डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर एंड क्लाइमेंट, तो फ्रेंड्स पॉलिसी होल्डर का जो नाम है वो आपको फिल करना है, श्याम कुमार यहाँ पे आपको फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको आपके बैंक का नाम, एग्जांपल के तौर पे अगर आपके बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक है तो आपको यहाँ पे फिल करना है पंजाब नेशनल बैंक। फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे आपको फिल करने के बाद नीचे आपसे पूछा गया है आपकी ब्रांच का एड्रेस कहाँ है, तो आप जो भी आपकी ब्रांच का एड्रेस है जहाँ की भी आपकी ब्रांच है वहाँ का आपको एड्रेस लिख देना है, विकास मार्ग ITO है और जो भी आपकी है A to Z सिविल लाइन चांदनी चौक या जो भी आउट ऑफ दिल्ली है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना जो भी आपकी ब्रांच है। अकाउंट टाइप आपका कौन सा है, सेविंग करंट कैश क्रेडिट NRI। सो मोस्टली लोगों का जो है सेविंग ही होता है तो आप सेविंग लिखेंगे, अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट लिखिएगा, NRI है तो वो लिखिए, कैश क्रेडिट है तो वो लिखिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना होता है, हर बॉक्स में आपको एक एक डिजिट लिखनी होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये आपका अकाउंट नंबर 4579001001297271। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका भी कुछ ना कुछ अकाउंट नंबर होगा, आपको हर बॉक्स में एक एक डिजिट आपको लिखनी है इस तरीके से, और कहीं भी बीच में गैप नहीं छोड़ना, यानी कि कहीं आपने यहाँ गैप छोड़ दिया या यहाँ गैप छोड़ दिया ऐसा नहीं करना, लाइन से आपको लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको लिखना है यहाँ पे MICR। फ्रेंड्स MICR जो है वो आपके चेक पे मेंशन होता है नीचे की तरफ। फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका चेक है, ये आपका चेक है, यहाँ पे आपका लिखा होता है पे, और भी यहाँ एक लाइन और तो मुझे याद नहीं है वो आपको लिखी होती है, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक आपका नंबर होता है वो होता है आपका चेक नंबर, उसके बराबर में यहाँ पे आपको होता है MICR। फ्रेंड्स MICR आपको होता है लगभग ये 8वां नंबर का ये भी होता है, तो
इस जगह मेंशन होता है, बिल्कुल मिडल में ही मेंशन होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, MICI लिखना है, जो भी आपका वो 1100240019। तो इस तरीके से आपका भी जो भी है वो आपको लिख देना है। IFSC कोड फ्रेंड्स, जैसे कि ये आपकी पासबुक है तो ऊपर यहाँ पे आपके बैंक का नाम लिखा होता है, यहाँ पे छोटा सा लिखा होता है IFSC कोड, वो फ्रेंड्स वो IFSC कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक है तो आपको IFSC कुछ इस तरीके से होगा, PUNB 0004905, इस तरीके से आपका जो है IFSC कोड होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करना है, ईमेल आईडी कोई है तो वो मेंशन करनी है। सो फ्रेंड्स इतना आप लोग काम करते हैं तो आपका फॉर्म फिल हो जाता है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। फ्रेंड्स जो आपके ये डॉक्यूमेंट होंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड होगा और आपका जो भी सारे डॉक्यूमेंट है, इस पर फ्रेंड्स आपको सेल्फ अटेस्ट यानी कि आपको सिग्नेचर करना है, आधार कार्ड की कॉपी लेनी है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपको जो है सिग्नेचर करना है। कैंसिल चेक की भी आप चाहें तो यहाँ पर फोटो कॉपी ले सकते हैं, कैंसिल चेक की फोटो कॉपी लेके आप उस पर सिग्नेचर कीजिए। पासबुक ओरिजिनल आपको लेके जानी है, मैच्योरिटी फॉर्म पे भी आपको सिग्नेचर करके कंप्लीट करके लेके जाना है, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आपको लेके जाना है, प्लस आप चाहें तो उसकी फोटोकॉपी भी ले जा सकते हैं, फोटोकॉपी भी ले जाइए और उस पर भी सिग्नेचर आपको लीजिए। फर्स्ट पेज जो होता है आपके बॉन्ड का, जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है, उस पेज की फोटोकॉपी आप लोग करवाइए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है मैच्योरिटी के लिए आप लोग जैसे ही अपना फॉर्म जमा करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स 15 से 20 दिन के बाद आपको जो है मैच्योरिटी प्रोसेस, आपको जो है मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है और आपका जो है पैसा वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैच्योरिटी का प्रोसेस होता है, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय फ्रेंड्स।